प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर एक डील हुई है। इस डील को डोवाल डील कहा जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जिन डील्स पर साइन हुए उसमें जेट के इंजन भी शामिल हैं। दुनिया भर के 4 ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर लड़ाकू जेट इंजन तैयार करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच ये ऐसी डील हुई है जिसके बाद भारत के पास भी ऐसे घातक जेट इंजन होंगे। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ जाएगी। इस डील की सबसे बड़ी बात है कि GE F414 का संयुक्त प्रोडक्शन भी भारत में होगा। इस इंजन की खास बात है कि एक बार में 98 किलो न्यूटन का ताकत पैदा करता है। ये डील भारत के लिए कितनी फायदेमंद है और इस डील के बाद चीन और पाकिस्तान क्यों टेंशन में है ये भी आप समझ सकते हैं। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया। जीई एरोस्पेस के CEO एच लॉरेंस कर्क जूनियर ने ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका था जब दोनों देश के बीच ये डील साइन हुई। भारत और HAL के साथ गठजोड़ के कारण ये संभव हो पाया है। भारतीय वायुसेना के लिए LCA MK2 के 99 इंजन का निर्माण करने की ओर ऐतिहासिक कदम भी है। ये समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत अभी तक रूस और यूरोपीय यूनियन के सैन्य जेट प्राप्त करता रहा है। चीन की वायुसेना के सामने इस वक्त काफी सारी चुनौतियां हैं जिसमें मेंटेनेंस, सर्विसिंग और इंजन की परफॉर्मेंस शामिल है। चीनी जेट में जो इंजन लगे हैं वो सभी रूसी इंजन के डेरिवेटिव्स हैं। भारत साल 1996 से ही अपना स्वदेशी इंजन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में ये जो डील अमेरिका के साथ हुई है वो भारत को एशिया में सबसे ताकतवर बनाने वाली है। अब आपको GE F414 की खासियतों के बारे में भी बता देते हैं। GE F414 इंजन ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन का हिस्सा है। अमेरिका में इसका 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी अब तक 1600 से ज्यादा इंजन डिलीवर कर चुकी है। GE F414 इंजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इग्निशन सिस्टम भी लगा है। ये इंजन को काफी पावरफुल बनाता है, दूसरे इंजन के मुकाबले ज्यादा चलता है। भारत ने क्रायोजेनिक रॉकेट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। जिन देशों के पास इसे बनाने की तकनीक है वह इसे दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे में ये भारत और अमेरिका के बीच काफी महत्वपूर्ण डील है। भारत आधे से ज्यादा अपनी सैन्य आपूर्ति रूस से करता आया है। अमेरिका की कोशिश है कि इसे कम किया जाए। चीन के साथ अमेरिका और भारत दोनों के ही रिश्ते ठीक नहीं हैं। दोनों देशों के बीच इसको लेकर उस वक्त कदम उठाया गया था जब चीन LAC के साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपनी ताकत दिखा रहा था। इस डील के बाद सैन्य जेट मामले में भारत एशिया का सबसे ताकतवर देश हो जाएगा। चीन इस तरह के सैन्य जेट के लिए रूस पर निर्भर है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना के पास अधिक समय तक चलने वाले जेट इंजन होंगे। भारत अभी तक रूस से जो जेट इंजन लेता है उसमें जल्द ओवरहॉल की जरूरत होती है। वहीं जेट इंजन को कई हजार घंटों के बाद ओवरहॉल की जरूरत पड़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि जीई इंजन हल्के और अधिक शक्तिशाली हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।